है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलरिंग वन। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आया हूं मैं जिस वीडियो के लिए आपको बेसब्री से इंतजार होगा और कहीं भी आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलती होगी। तो दोस्तों, काफ़ी लोग जो है ना दोस्तों, इसकी जो स्लिप होती है, जो बाजू जो होती है, चढ़ा तो देते हैं लेकिन चढ़ाने के बाद में जो अल्ट्रासाउंड मारती है ना बाजू, काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ से निकलना मांगना होता है या फिर बाहर की भागना, अंदर पीछे भागना रहता है, बाजू बाहर की साइड जा रहा है। तो काफ़ी लोग समझ नहीं पाते कि इसमें करना क्या है, जो अपने सेंटर पे बैठना है। एक एक पैर देखना बड़ी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, ये मैंने आपको स्लिप चढ़ाई है, इसकी मैंने आपके लिए कटिंग भी डाली है। ये मैंने 5 साल के बच्चे की कटिंग है दोस्तों। इसमें बतलाया है कि सामने किस तरीके से एंड स्लिप किस तरीके से बनाएं। तो दोस्तों, दो तरह ही मैंने वीडियो डाली है इसके अंदर, जो कि पार्ट वन में डाली है, इसके फ्रंट किस तरीके से काटे, एंड पार्ट टू डाली है इसकी स्लिप किस तरीके से काटे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, पार्ट 3 लेकर आया हूँ इसका। इसमें मैं बतलाऊंगा आपके लिए कि इसमें जो स्लिप होती है वो किस तरीके से चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, चढ़ाने का तरीका ये है कि चढ़ा तो देते हैं लेकिन कई बार क्या होता है, जो अल्ट्रासाउंड आती है ना, यहाँ से भी निकलना, देखो दोस्तों समझिए आप, यहाँ से क्या होता है, ऊपर चढ़ना मांगना होता है काफी बार, और ये काफी चीज नीचे भी निकलना मांगना होता है। लेकिन आपको जो बीकनर है, जो नए काम सीख रहे हैं, उनको ये नॉलेज ही नहीं होती है कि मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसमें वही बतलाऊंगा कि इसमें दिक्कत जो आती है, ये भी जो स्लिप चढ़ाई है ना मैंने, इसमें भी लगा लो कि 10 बार मैंने स्लिप चढ़ाई है जब कहीं जाके कि सेट बैठी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मेरे जैसे इंसान से जो बाजू चढ़ जाता है ना, तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है दोस्तों की, एक बार में बाजू चढ़ ही नहीं पाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जो एक स्लिप इसकी चढ़ा दी है, चढ़ाने में क्या क्या मुझे दिक्कतें आई, क्या क्या मुझे परेशानी आई, इस वीडियो में आपको जरूर बतलाऊंगा। मैंने जो एक स्लिप इसकी चढ़ाई नहीं है, तो इसीलिए इस वीडियो बनाने का मन करा मैंने, बतलाऊं अपने फैंस को कि क्या क्या इसमें दिक्कत आती है। तो दोस्तों, आप इंतजार करें, देखो और आप इधर आइए, मैं बतलाता हूं। दोस्तों, ये भाई इधर आओ, इसकी जो अल्ट्रासाउंड है, मैं आज सारी कुछ बतलाऊंगा दोस्तों। तो अल्ट्रासाउंड देखिए दोस्तों, इसकी अल्ट्रा क्या क्या आई इसके अंदर, देखो दोस्तों, ये हमने स्लिप जो है चढ़ा तो दी और हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से स्लिप बैठी है कि 10 बार बाजू चढ़ाने में दोस्तों, 8 से 10 बार बाजू चढ़ाने में इतनी बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों, और कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी स्लिप ये बैठ गई। देखो बैक देखिए, कहीं भी कोई अल्ट्रासाउंड नहीं आ रही, छोटी सी कोट है, छोटे बाजू में कहीं भी कोई अल्ट्रासाउंड नहीं आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके 2 पार्ट बना दिए मैंने, आपने कटिंग भी करी होगी दोस्तों और आपने बनाया भी होगा और नंबर आया होगा इसका स्लिप चढ़ाने का। तो दोस्तों, आप कन्फ्यूज हो गए होंगे किस तरीके से इसकी अल्ट्रासाउंड निकलेगी, काफ़ी सारी अल्ट्रासाउंड है। तो दोस्तों, हर कोट में कितना ही बड़ा मास्टर हो, एक आध बार के लिए स्लिप में जरूर अल्ट्रासाउंड आ जाती है, जो कारीगर को निकालनी पड़ जाती है दोस्तों। तो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो कारीगर का होता है, मास्टर का कोई रोल नहीं है, वो कटिंग करके दे देगा, उल्टी सीधी कैसी भी कटिंग कर देगा। लेकिन दोस्तों, आप जब बनाते हो तो सारा कुछ आप पर निर्भर करता है किस तरीके से ये कोट सही होता है। तो दोस्तों, मैं इसमें वीडियो में आपके लिए वही बतलाऊंगा। तो बतलाने के लिए दोस्तों, देखिए हमारी स्लिप कितनी प्यारी तरीके से बैठी हुई है, इसका कोई पीछे रीजन है दोस्तों, इतनी बेहतरीन तरीके से, इसमें बहुत मेहनत लगी है इस तरीके से बैठाने में दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसमें बतला रहा हूँ, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लिप में दोस्तों। देखो दोस्तों, इस तरीके देखने के बाद में देखो, इसमें अल्ट्रासाउंड देखो कितनी सारी अल्ट्रासाउंड है, ये देखिए, ये अल्ट्रासाउंड इसमें निकलना मांगा दोस्तों, ये देख रहे हो आप, ये कितनी सारी अल्ट्रासाउंड इसमें देखो ऊपर की साइड में आना मांग रही है दोस्तों, आप समझ पा रहे होगे। देखो, अब आपको दिखा होगा कितना ज्यादा एक्स्ट्रा है दोस्तों, कम से कम आधा आधा इंच ये ऊपर की साइड निकली है, और ये चीज हम नीचे कर देते है ना, काफी तुम तो ऐसी करोगे, जो बीकनर है बेचारे वो तो ऐसे ही करेंगे, यहीं से रख के और पूरा ही जोड़ेंगे, उन्हें तो मतलब ना कि क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन मैन ये आना यहाँ मांग रहा है स्लिप, इसका मोटा जो है खुद बता देता है दोस्तों कि हमारा बाजू कहाँ बैठेगा, जो इसका आर्म होल कटा हुआ होता है ना, वही बताता है हमारी बाजू कैसी भी कट जाए, हमारा आर्म होल कटा हुआ है तो उसमें बैठाना हमारी कलाकारी है दोस्तों। तो इसमें कलाकारी के लिए देखें कि जो इतना बाहर निकलना मांग रहा है, तो मैंने निकाल दिया तब आगे कहीं ये सही बैठा, और होल होल करके निकालना होता है दोस्तों। इसमें नम कितनी देनी है ये भी मैं इस वीडियो में आपके लिए बतलाऊंगा दोस्तों। तो देखें दोस्तों, इतना सारा एक्स्ट्रा ये कपड़ा निकला है जब कहीं जाके हमारा बाजू सही बैठा है। अब दोस्तों, हम जो दूसरी बाजू चढ़ाएंगे वो उस वीडियो में बतला देते हैं आपको। दूसरी बाजू चढ़ाने के लिए हमें करना क्या है, अब एक हिसाब समझ लेते हैं। इसमें तो बहुत सारी मेहनत लग गई है, लेकिन दूसरी बाजू में इतनी मेहनत ना लगे, इसीलिए हम दूसरी बाजू चढ़ा के दिखलाएंगे। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से इसको हम नाप लेंगे, इसको हमने नापा 1/2 इंच 1 सूत, ये 1/2 इंच 1 सूत ऊपर की साइड निकल रहा है, तो 1/2 इंच 1 सूत हम ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, 1/2 इंच 1 सूत के लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक मार्का यहाँ लगा देंगे, ये हमारा स्लिप है।
तो यहाँ पे एक मार्का आधा इंच एक सूत का हम लगा देंगे इस तरीके से। दोस्तों अपना चौक ले लेंगे, चौक लेने के बाद में इस तरीके से हम आधा इंच एक सूत का मार्का यहाँ लगा देंगे, यानी ये हमारा बाजू जो है ऊपर की साइड निकलेगा। क्या कई बार दोस्तों कटिंग में कोई दिक्कत हो जाती है, तो इसको जो है कलाकारी यही है कि अपना इस तरह से इसको कमी दूर करना। अब दोस्तों इसको जो है ना हम एक चीज और नाप लेंगे, इसका नापने का तरीका ये है दोस्तों, इसका जोड़ नापेंगे, है ना। इसका जोड़ जो नापेंगे वो देख लीजिए आप, पहले कितना आ रहा है अब ये आ रहा है दोस्तों तीन सूत का जॉइंट, है ना, तीन सूत का जॉइंट है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे एक मार्का तीन सूत के जॉइंट पे इस तरीके से हम लगा देंगे दूसरे बाजे वाले स्लीव में इस तरीके से दोस्तों, है ना। अब एक मार्का और उठाना है हमें, ये बैक वाला जॉइंट उठाना है, ये वाला इस तरीके से यहाँ इंची टेप रख लीजिए आप, ये रख लिया हमने। रखने के बाद में देखा तो ये कितना आया दोस्तों, ये आया हमारा 3 इंच पे, है ना, 3 इंच पे आया। तो हम इसको भी 3 इंच पे इस तरीके से मार्का यहाँ से लेके इस जोन से लेके और लगा लेंगे बैक में। ये देखिए दोस्तों ये हो गए, देखो दोस्तों एक जोन ये हो गया, एक ये हो गया। हम इसलिए इसमें जोन लगा रहे हैं दोस्तों, जितनी इसमें अल्ट्रासाउंड आई है ना, बड़ी दिक्कतें हुई है इसमें, तो इस बाजू में हमारी नहीं आए स्लिप। पहली वाली बाजू में मेहनत चाहिए सबसे ज्यादा, जो पहली जो स्लिप चढ़ती है ना, चाहे इधर की चढ़ा लो या इधर की चढ़ा लो, जो पहली बाजू चढ़ेगी सबसे ज्यादा उसमें मेहनत चाहिए दोस्तों, वो सही चढ़ जानी चाहिए। एक बार न चढ़ा, दूसरी बार न चढ़ा, तीसरी बार न चढ़ा, चौथी बार न चढ़ा, चढ़ाते रहिए जब तक आपकी बाजू आप खुद संतुष्ट न हो जाए, खुद अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए कि हाँ मेरी बाजू सही चढ़ हुई है, अब दूसरी भी उसी तरीके से चढ़ जाएगी। तो दूसरी चढ़ाने के लिए इस तरीके से रख लेंगे दोस्तों। इसमें क्या हुआ ना कि इसके जो आर्म होल है ना, इसका आर्म होल तो ज्यादा कटा हुआ है और ये जो है कम कटा हुआ है दोस्तों, आधा इंच कम कटा हुआ था ये, तो इसीलिए समझ नहीं आ पाया। अब दोस्तों ये रख लीजिए इस तरीके से जॉइंट पे, ठीक है, और ये आधा इंच हम ऊपर की साइड निकाल देंगे, ये निकाल दी इस तरीके से रख लेंगे दोस्तों। रखने के बाद में दोस्तों इस तरीके से अपनी सुई ले लेंगे, इस तरीके से रख लीजिए दोस्तों। रखने के बाद में ये टाकी हम यहाँ पे मार देंगे। अब दोस्तों बहुत छोटा कोट है, इसमें हाथ भी नहीं चल पा रहे हैं, बहुत दिक्कत पैदा हो रही है, इस तरीके से आप रख लीजिए दोस्तों। क्या होता है ना, ये जो दिक्कत पैदा जो क्यों हुई है, एक चीज और बता दूं आपको, दिक्कत पैदा यूं हुई है कि इसका जो गड्ढा है ना वो ज्यादा है। अब आप ये कहोगे कि इसका गड्ढा ज्यादा काटा क्यों, है ना, गड्ढा काटा क्यों दोस्तों, काटना इसलिए पड़ा क्योंकि कोट है छोटा और ये साइज के हिसाब से ही कटता है। किसी कोट में गड्ढा मांगना होता है, किसी का शोल्डर क्या होता है, शोल्डर की वजह से आता है जो भी गड्ढा आता है। तीरा बड़ा हुआ तो क्या दिक्कत होगी, तीरा तो बड़ा है तो तीरा तो अपने हिसाब से लेना पड़ेगा ना, और शोल्डर छोटा, चेस्ट कम है तो चेस्ट के हिसाब से ही कटता है। अगर बढ़ना हमने ये बड़ा काट दिया ना दोस्तों, तो चेस्ट पे अड़ेगा, यहाँ पे अड़ेगा दोस्तों। ये देखिए आप, अगर ये तख्ती बड़ी कट जाएगी तो यहाँ अड़ेगी, तो हमारा आस्तीन हाथ में ये फूल जाएगा, है ना। तो ये चीज भी जरूरी है कि हमें जहां बैठ रहा वही काटना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, वरना ये अगर आधा इंच बड़ा होता तो सही बैठता, लेकिन सही बैठाना ही नहीं था, आधा इंच बड़ा काटना ही नहीं था, अगर कट देते बड़ा तो यहाँ अल्टर मारता। तख्ती हमारी फिक्स करनी चाहिए, तख्ती दोस्तों इतनी फिक्स करनी चाहिए। एक मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था सर कि तख्ती फूलती क्यों है, है ना, ये जो नपेल होती है ना कई बार फूलती है, फूलती है ना नपेल, तो नपेल फूलने का राज क्या है दोस्तों, तख्ती कम कटना, तख्ती का कम कट जाना तख्ती फूलने का राज है दोस्तों। अगर उसमें आधा इंच भी तख्ती कम कट गई तो तख्ती फूलनी है, क्योंकि आधा इंच खिंचाव पड़ेगा ना ये, अब जैसे कि तख्ती हमारी कम कट जाए तो यहाँ से जो खिंचा है ये बाजू हमारा, तो जाहिर सी बात है कि उठेगी नपेल हमारी, समझ पा रहे हैं। तख्ती हमारी जेन्युइन कटुई होनी चाहिए, जब तख्ती हमारी सही कटी रहेगी तो हमारी नपेल बिल्कुल फिक्स तरीके से कोट की बैठ जाएगी, है ना। और ज्यादा बड़ी भी होगी तख्ती तो क्या दिक्कत आएगी, नपेल नहीं फूलेगी, बड़ी तख्ती में नपेल नहीं फूलेगी आपकी, लेकिन यहाँ अल्टर मारेगी, ये हाथ यूं करोगे तो यहाँ पे एस्ट्रो दिखाई देगा। तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कटिंग के अंदर, और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसकी जो तख्ती है वो जेन्युइन तरीके से कटे। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप, ये गड्ढा था इसी की वजह से कि बाजू चढ़ाने में इतनी दिक्कत पैदा हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है रख लीजिए, और ये जितना भी एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये बाजू जो हमारा एक्स्ट्रा गड्ढे की वजह से हम इसको ले देंगे दोस्तों। और यहाँ से जो है ना दोस्तों, इसको हाथ सफा कर लीजिए,
ये चीज जो है ना यहाँ पे कहीं भी फ्री होना चाहिए कपड़ा, है ना, जैसे बिछा हुआ है ना उस तरीके से फ्री होना चाहिए। दोस्तों आपको शोर बहुत आ रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, बड़ी दिक्कत पैदा हो रही होगी, मुझे आपसे यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ शोर बहुत है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों बड़ी मजबूरी है, क्या कर सकता हूँ मैं भी। अगर मेरा स्टूडियो कहीं बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, घर ही बनाऊंगा किसी इंशाल्लाह किसी दिन, और मैं बतलाऊंगा इसमें कि स्टूडियो किस तरीके से हमने मेहनत से घर बनाएंगे इंशाल्लाह कभी ना कभी, वहाँ पर सारी वीडियो शूट करा करेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप जो है इसको लेते जाइए, और देखो दोस्तों मैंने इतना एक्स्ट्रा कपड़ा इसका निकाल दिया, बस यहाँ तक ही, ज़्यादा ऊपर नहीं निकालना है, इस साइड में ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है, बस यहाँ तक ही निकालना होता है, हमसे लमसम 1 से 1.5 इंच, 1.5 इंच ऊपर निकालना होता है बस, उसके बाद में नहीं निकालना वरना मज़ा नहीं आएगा बाजू में। इस तरीके से कर दीजिए आप, हल्का हल्का इसमें नम दे दीजिए, और इसमें नम जो है ना दोस्तों बच्चे के कोट में ज्यादा नम नहीं देना, क्योंकि इसमें जो है ना ज्यादा पैड तो लगना है नहीं, आप भी समझ रहे हैं पैड जो लगेगा वो हल्का लगेगा, बहुत काफी बहुत हल्का, तो ज्यादा नम नहीं देंगे इसमें, ना के बराबर नम देंगे इसमें, अपने हिसाब से बराबर बराबर सब में नम देते जाएंगे। इस तरीके से अपनी नम बराबर बराबर देते जाइए दोस्तों। देखो दोस्तों ये निशान था ना हमारा 3 इंच पे, और इसका जोन इसी निशान पे ले लेना हमें। ठीक है भाईजान, फिर आ जाना थोड़ी देर में। इस तरीके से अब दोस्तों ये आ गया यहाँ तक, यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या है, इसको चेक कर लेना है, ठीक है, इसको चेक कर लेना है। वालेकुम सलाम, इसको चेक कर लेना है। देखो स्लिप दोस्तों हमारी है ना, अगर ये चीज देखो कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी स्लिप बैठेगी पहली बार में। ये फॉल इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये अगर ये फॉल सही है ना हमारा, और देखो कई बार क्या होता है इस तरीके से आपको दिखेगा थोड़ा सा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना कपड़ा एक्स्ट्रा जाना मांगना होता है, कई बार उतरना मांगना होता है, ये चीज कई बार उतरनी मांगनी होती है कि जाने वाला, ये जेन्युइन तरीके से बैठ गया है, सारी मेहनत हमारी उस बाजू में लग गई है। अगर आपको किसी बात पे कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें वीडियो में आपको कमेंट्स में जवाब दे दूंगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा स्लिप, और इस तरीके से हमने चेक कर ली, और हमारी स्लिप जो है सही सलामत बैठ गई है। बैठने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हम इसको यहाँ कर देंगे, करने के बाद में इस तरीके से पकड़ लेंगे दोस्तों, इस तरीके से पकड़ लीजिए दोस्तों, इस तरीके से बिल्कुल एक सार होना चाहिए सब, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जितना भी निकलना मांग रहा है उस तरीके से कर देंगे। करने के बाद में यह पूरा कच्चा कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से पकड़ लीजिए, हाथ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कहीं भी नीचे की साइड डपोटे नहीं होने चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये जो अल्ट्रेशन है ना हर किसी के बस की नहीं है, जो अल्ट्रेशन ये कमी खत्म करने इसे पकड़ ले दोस्तों, इसे पकड़ना ही कलाकारी है, और इसे पकड़ना ही कारीगरी है, इसे पकड़ना ही कारीगरी है दोस्तों, क्योंकि ये अगर हम वीक ना होते, अगर हम सीख रहे होते काम, तो हम क्या करते आपको पता ही है, इसको हम नीचे रखी चलाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि इस चीज का क्या कहाँ कौन सी चीज जाना मांग रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी कमी निकालना ही सबसे बड़ा कारीगरी है, और हमारी स्लिप चलाना देखो दोस्तों, देखो कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी स्लिप इस समय बैठ गई, इतना भोसा कपड़ा निकालने के बाद में बैठी है दोस्तों, आधा इंच ऊपर की साइड निकालने के बाद में, बताइए आप भी देखिए। तो इस तरीके से आप भी देखें, ट्राई करें और समझें, सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता आपको इस चीज की है कि जो हमारी अल्ट्रेशन है वो किस तरीके से दूर करी जाती है, वही कारीगरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हमने अल्ट्रेशन हमारी कहीं आती है और उसको पकड़ना भी कारीगरी, अल्ट्रेशन आ रही है पता चल रहा है, लेकिन किस तरीके से दूर करी जाए वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों इस चीज को समझें, और
नॉलेज में इजाफा करें दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। इससे मैं क्या होता है, मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों बेल आइकन घंटा प्रेस कर देना ताकि ऐसी वीडियो बनाऊं और आपके पास पहुंच जाया करें। तो शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।